जब हम शेयर मार्केट में ट्रेड करने की बात करते हैं, लोगों को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना। ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड करें, कैसे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है। पर ये चीज तो आप सब मानते हैं कि हर ट्रेडर के पास अपने कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ना कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिससे वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो आज हम आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाने वाले हैं जिनकी खुद की थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज पे वो रेगुलरली काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं एंड लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें एंड मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट्स को। तो अगर आप लोग भी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के सीक्रेट सीखना चाहते हैं, सो मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मिस्टर वन एंड ओनली विनय प्रकाश तिवारी जी से। सर स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। बहुत बहुत सभी आपके दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को नमस्कार है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जानते हैं डेफिनेटली एंड बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी ऑडियंस होगी जो आपको अभी तक नहीं भी जानते। तो सबसे पहले हर इंसान में क्यूरियोसिटी होती है कि अगर मैं पहली बार किसी से मिलवा रहा हूँ तो उनके बारे में लोग जाने, तो आप के बारे में आपसे बढ़िया कौन बता सकता है, कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे और आपने किन किन थ्योरीज के ऊपर काम किया। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से सफर कैसा रहा है उसके ऊपर प्लीज लोगों को गाइड कीजिए। स्टार्टिंग से सफर कुछ ऐसा रहा है कि हमने शुरुआत की एज अ ट्रेडर, एज अ डीलर। डीलर का मतलब कि पहले के टाइम में, आज से 10 साल पीछे चले जाए हम लोग, तो ये ऑनलाइन मोबाइल वाले ट्रेडिंग उतने ज्यादा नहीं चलते थे, तो स्पेसिफिक ब्रोकर्स के यहाँ डीलर बैठते थे। मैं एज अ डीलर सब ब्रोकर के यहाँ जॉब करता था जी, तो ट्रेड पंच करने का काम होता था। वहां से शुरुआत की है मैंने और धीरे धीरे बाजार को समझते जब बाजार में खुद इन्वेस्ट करना शुरू किया तो पता चला कि इस बाजार की कड़वी सच्चाई क्या है। और कड़वी सच्चाई ये है कि सीधी सी बात है भैया, आप एक ट्रेड ले रहे हो, एक ट्रेड इनिशिएट किया और सीधा वो ट्रेड जाके स्टॉप लॉस हिट किया, और वो स्टॉप लॉस किया वो सीधा सीधा छुरी आती है दिल में, लगती है इधर, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज होती है, हमने ट्रेड ले लिया या तो हमारा टारगेट होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा, है ना, बट स्टॉप लॉस ही होता है ज्यादातर लोगों का। तो उसके ऊपर क्या काम किया? अच्छा, इससे भी पहले इसके ऊपर काम करने के ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट आपकी क्या स्टॉक मार्केट के ऊपर पहले कोई एजुकेशन थी, पढ़ाई थी, आपने जो भी सीखा, आपने डीलरशिप जब आप कर रहे थे तभी सीखा? हाँ, जो भी मैंने किया, मैंने मतलब स्टॉक मार्केट की शुरुआत ही डीलरशिप से शुरू। वो कौन सा ईयर था, कितने साल पहले की बात है? 2009 और 2010 की बात है, जब लेमन ब्रदर्स का फॉल आया था, ये ठीक उसके बाद की बात है जब बाजार को हम लोगों ने देखना समझना शुरू किया था। अच्छा। उसी से तो न्यूज में बाजार बहुत सारा आया था, बाजार के बारे में हमने जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, सीखना तो बहुत देर से शुरू किया, सीखना तो लॉस करने के बाद शुरू किया एक्चुअली। तो लॉस कब करना शुरू किया? लॉस करना शुरू किया जब ट्रेड करना शुरू किया 2010 के बाद से ट्रेड में लग गए, जब लोगों को देखा कि भैया आते हैं इतना पैसा बनता है, वो भी इच्छा हुई कि हम भी करें, क्यों नहीं करें। तो लोगों का नुकसान होता था, वो नहीं देखा आपने? नुकसान कहाँ दिखाई देता है दिखता तो सबसे पहले प्रॉफिट है कि कौन सा और किसका प्रॉफिट हुआ है। हम तो नुकसान को धीरे से सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, उसको पीछे भेज देते हैं। नुकसान नहीं दिखाई देता किसी के भी। अट्रैक्शन कैसी होती है? उसका जो व्हाइट पार्ट है ना, उससे अट्रैक्शन होती है, उसका जो डार्क पार्ट है वहां कहां अट्रैक्शन होता है, उसको तो हम जानबूझ के आंख बंद कर लेते हैं। तो आपने ट्रेड किस में, डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू करा, कैसे ट्रेडिंग? शुरुआत में हमने कैश में ट्रेडिंग की। अच्छा। की और सबसे पहली बार जब मैंने ट्रेड किया था तो यकीन मानिए कैसी फीलिंग आती है वो मैं फीलिंग बताता हूं। सबसे पहली बार आप एक ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड इनिशिएट करते हो और सबसे पहले ट्रेड में मेरे को 498 रुपीज, मतलब समथिंग 500 रुपीज मिले थे और वो प्रॉफिट हुआ था 500 रुपए। और जो 500 रुपए आया था ना, तो वो फील आया था कि अच्छा 500 रुपए इतनी आसानी से कमाया जा सकता है, ये तो बहुत आसान है, इसको आगे तो बहुत बेहतरीन किया जा सकता है। और यहां से शुरुआत हुई थी, फिर वो धीरे धीरे एडिक्शन में कन्वर्ट होता चला गया। तो आपने कैश में ट्रेडिंग शुरू करा, उसके बाद आगे 500 रुपए का चलो प्रॉफिट, कैश में ट्रेडिंग शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करने लगे, फिर उसी समय उसके कुछ दिन बाद बैंक निफ्टी के ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए, इंडेक्स में बैंक निफ्टी के ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए। ये सन 2012-13 की बात है, उस दौरान की बात है। अच्छा। जब बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के इंडेक्स आई, तो फिर ऑप्शंस से तब अमेरिकन मार्केट के बारे में ज्यादा जाना जाता था, अमेरिकन मार्केट को समझा जाता था, राइटर्स का पूरा गेम था, बायर्स का गेम कम था वहां पे, तो उनको समझना शुरू किया, मतलब उसमें इंटरेस्ट आया कि ऐसा कुछ है, डेरिवेटिव जैसी चीज कुछ है, फ्यूचर्स। तब तक आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड नहीं करते थे? ट्रेड नहीं करता था, सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करता था, इंट्राडे ट्रेडिंग कैश में करते थे, और पोजिशनल तो तब से बहुत सारे स्टॉक्स रखे हुए, धीरे धीरे वो तो रख के वो छोड़ दिया कि सारी चीजें खुद के लिए, क्या ये समझ तो शुरू से ही आ गई थी कि सारी चीजें खुद के लिए नहीं रखनी है, कुछ चीजें आगे आने वाली जनरेशन को देना है, तो स्टॉक्स तो तब से सेव करते चला आ रहा हूँ, वो बचाते चला रहा हूँ। तो फिर जब ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए ना, तो ऑप्शंस को जब समझना शुरू किया, डेरिवेटिव्स को समझना शुरू किया, तो लगा कि हाँ, पढ़ने चले गए
गए, कुछ वेबसाइट्स को ढूंढा, कुछ यूएस के वेबसाइट्स को ढूंढा, कुछ खंगाला, देखा, जाना, समझा, तो ये समझ में आया कि ये कुछ कैलकुलेटिव चीजें हैं जहां पे कैलकुलेशंस ज्यादा हैं। जैसे हम लोग कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो सिंपल है, सस्ते भाव पे खरीदिए और महंगे भाव पे बेच दीजिए, बहुत साधारण है। वहां कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, सीधी सी बात है, ये भैया 100 रुपए का एक स्टॉक है खरीद लिया, वो 105 में गया बेच दो, 101 में भी गया तो बेच दो, वो पैसा अपना है। लेकिन जब हम डेरिवेटिव्स में आए तो डेरिवेटिव्स में दिखा कि इसमें बहुत सारे ग्रीक्स हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, ये तो सिंपल नॉर्मल ग्रीक्स हैं, इसके अलावा माइनर ग्रीक्स हैं। तो हमने इनको क्या किया, इनमें हर ग्रीक्स की अपनी कैलकुलेशन है, तो उसको जब समझना शुरू किया, और ये बेसिकली मैंने रिवर्स कैलकुलेशन की है। रिवर्स कैलकुलेशन कैसी होती है मैं बताता हूँ, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि जब मैंने मार्केट को देखना शुरू किया ना, तो मुझे समझ आया कि बाजार चलता है तो इसके इसमें कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन कैलकुलेशन होती है, राइट। तो सबसे पहली कैलकुलेशन मैंने अपनी लाइफ में देखी थी ब्लैक एंड शोल्स की कैलकुलेशन, जहां हम ऑप्शन के प्राइसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पॉट प्राइस को ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो उस कैलकुलेशन को देख के मेरे को ऐसा लगा कि यहां और भी कुछ कैलकुलेशंस होती होंगी, वहां लिख के तो आता था। अब जब मैं मार्केट देखता था, सबसे पहले मेरे को किस चीज का एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे को डेल्टा का एक्सपीरियंस हुआ था। कैसा, मैंने मार्केट देखा, मैंने फ्यूचर का भाव देखा, और इन दोनों भाव को मैंने जोड़ जुगाड़ जुगत लगा के, गणित लगा के, सब कुछ करके मैंने एक वैल्यू निकाली। मुझे नहीं पता था कि ये डेल्टा है, बिल्कुल भी नहीं पता था, एक वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को देखा, और फिर मुझे पता चला कि इस वैल्यू के बराबर ही मार्केट मूव करता है, उससे थोड़ा मोड़ा कम या ज़्यादा। तो मुझे समझ आया कि अच्छा, ये कोई तो वैल्यू है, मैंने खोज लिया, मैंने कुछ तो ढूंढ लिया है मार्केट में, मैं बड़ा खुश। बाद में पता चला कि इसको तो डेल्टा बोलते हैं, काफी सालों से लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है हमने कुछ ढूंढा, वो तो पहले किसी ने रिसर्च कर रखा है, इतना सब कुछ बना रहा है। ठीक है, वहीं से फिर और भी चीज़ें मैंने ढूंढी, थीटा को भी कैलकुलेट किया खुद से, मतलब फिर मैंने ये आदत बनाई कि मैं कोई चीज़ की किसी का फॉर्मूला देखने नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही ढूंढ के निकालूंगा, कैलकुलेट। हाँ, कोई कहता है जी मैंने हैमर ढूंढा है, हर बार मार्केट में जब भी ये वाली कैंडल बनती है तो इसके बाद ही होता है ये तो किसी ने बता रहा है, ठीक बात है। तो फिर मैंने वो आदत बनाई और फिर उस कैलकुलेशंस पे, उन कैलकुलेशंस को मैंने समझना शुरू किया, तो बाजार धीरे 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 समझ आना शुरू हुआ कि बाजार ऐसा चलता है। तो आपने मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ाई कर रखी थी? नहीं, मैथमेटिक्स में मैंने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं कर रखी है, मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ तो मैथमेटिक्स से तो बड़ा दूर रहा हूँ। तो फिर ये कहाँ से आया कि मेरे को कैलकुलेशंस में जाना है? ये तो समझिए कि अब एक ऐसी कोई चीज़ आप देखना शुरू किए, उस चीज़ से आपको चैलेंज लगा, जैसे कभी होता है ना कि हम एक गेम खेल रहे हैं, अब गेम खेल रहे हैं तो वो स्टेज पार नहीं हो रहा है, अब पार नहीं हो रहा है, भले ही मुझे दूसरे जरूरी काम है, लेकिन मैं वो दूसरा जरूरी काम छोड़ के फिर कहाँ चला आया, वापस गेम में चला आया और गेम को वापस खेला कि मुझे इस स्टेज को पार करना है। तो वो जो वहां से इंटरेस्ट, मेरे फ्रेंड्स आज भी मेरे ऊपर हंसते हैं कि जिस व्यक्ति ने 10वीं के बाद मैथमेटिक्स इस डर से छोड़ दिया कि कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, वो व्यक्ति कैलकुलेटर और कैलकुलेशंस में इतना डीप चला गया है कि उसको पूरे इंडिया में लोग जान रहे हैं। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली आज की रेट में मैं अपने आप को देखूं तो हम ऑप्शन चेन को देख के अपनी एनालिसिस निकालते रहते हैं, कैलकुलेशंस करते रहते हैं, और इनफैक्ट मुझे मैथमेटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बट पैसे में इंटरेस्ट होता है, नंबर जो है सबसे अच्छे अकाउंट में लगते हैं, अकाउंट बैलेंस सीधे सी बात है। ऐसा आपके साथ है क्या? बिल्कुल है, नंबर्स वही अच्छे लगते हैं। हाँ, या तो कोई लड़की पहली बार नंबर देती है तो या तो वो नंबर अच्छा लगता है। अब तो देखिए शादी वादी होने के बाद वो समय तो बहुत पीछे चला गया। कभी तो था। चलिए, एनीवेज, सो सर आपकी जैसे बड़ी हम्बल बिगनिंग्स है, जैसे मुझे पता लगा आप वाराणसी से रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। सो होता क्या है कि आज की डेट में कोई बॉम्बे से है या किसी बड़ी सिटी से है तो उसके पास कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, लोग होते हैं, तो वाराणसी की हम बात करें, बहुत अच्छे लोग वहां से आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं, बट आपके लिए कुछ चैलेंज था क्या? भयंकर, सिर्फ चैलेंज नहीं, मतलब चैलेंजेस का बाप खड़ा था। जैसे कि अब जब वाराणसी में आप, जैसे सपोज करिए कि आपने किसी को बोला कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैंने जॉब छोड़ दिया, अब जॉब छोड़ के मैं यही कर रहा था, तो आपने किसी को बोला मैं जॉब नहीं करता हूँ, तो अच्छा तो क्या करते हो? तो मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, तो दैट इज काइंड ऑफ गैम्बलिंग। हाँ, तुम जुआरी हो। जुआरी हो। फिर वो बात वहीं से फैलती है, पड़ोस से जाती है पूरे मोहल्ले में, और पूरे मोहल्ले से पूरे समाज में कि ये वो जुआड़ी आदमी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ये वो अभी मैंने थोड़े दिन पहले की बात है, तो आई वाज डूइंग समथिंग, हुआ क्या कि मतलब मैं कहीं गया था और मैं कार में जाके बैठ गया। हाँ। तो कार में जाके क्यों बैठ गया? क्योंकि एक्सपायरी थी यार, अपना तो पोजीशंस बड़ी बड़ी है, सिक्योर ऑफ करनी है। तो मैं बैठ गया और मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैंने गाड़ी चला दी, मैं पीछे वाली सीट पे बैठ गया और मतलब जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं और अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं।
तो बाहर से बहुत सारे लोग देखने लग गए, मैं तो इसमें बिजी था, मैं तो देख ही रहा था बाहर का, देख रहे हैं तुम्हारे लोग देख रहे थे कि ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं, गाड़ी ऑन कैसे है, ऑन कैसे है। हाँ। तो वो आके देखा, अच्छा ये क्या कर रहे हो, ये काम है भाई मेरा है। तो ये जैसे काम है तो मतलब लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि यार ये भी काम होता है लोगों का। तो आज भी इंडिया के अंदर लोगों को इस चीज पे बिलीव नहीं है कि मतलब दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वर्क जिससे आप रेगुलर पैसा बनाओगे। ये फाइनेंशियल एजुकेशन जब तक बेस नहीं बनेगा ना, मैं हमेशा बेस की बात करता हूँ, बेस मतलब बचपन से हमारे दिमाग में हमको क्या भरा जाता है, भाई तुमको पढ़ के डॉक्टर बनना है, भाई तुमको पढ़ के इंजीनियर बनना है, राइट। अभी तो सोचिए कि पिछले 10-15 साल से स्पोर्ट्स वगैरह की भी बातें होने लगी हैं, गार्जियंस करने लगे हैं, लेकिन उसके पहले तो सिर्फ दो ही रास्ते थे आपके पास। हम लोग कैसे थे, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो सीधी सी बात है, अगर इसने मैथ्स ले लिया मतलब सबसे ब्रिलियंट आदमी है, राइट। अगर उसने चलो मैथ्स छोड़ के उसने बायो ले लिया तो चलो ठीक है, वो भी ठीक है। अगर उसने कॉमर्स ले लिया तो वो एवरेज है, और अगर गलती से उसने आर्ट्स ले लिया तो वो तो उसका तो धरती पे बोझ है उसका जीवन पे। ऐसी बातें, ऐसी सोच मेंटेलिटी। अब इन सबके ऊपर आप अगर बचपन से किसी बच्चे से ये बात करो भाई तुमको आगे चल के ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, ना, 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 तो ये तो किसी की सोच ही नहीं है, किसी की भी नहीं है। माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा। मैं क्या बोलता हूँ, चलो मान लो कि आपका प्लान है सक्सेसफुल हो गया, आपका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बन भी गया, तो जो पैसा कमाएगा उसको मैनेज कैसे करेगा। कितने आप खुद से देखिए ना, कितने सारे, अभी आप तो इस फील्ड में हो, मैं भी इस फील्ड में हूँ, हम लोग जानते हैं कितने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ अनपढ़ लोगों के साथ हो रहे हैं? नहीं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक है, उन्होंने उस चीज को समझा ही नहीं है। वो अपने प्लान ए में तो कोई गलत पॉलिसी ले लेता है, बैंक वाले चेप देते हैं उन्हें, पता नहीं कौन से प्लान में वो पिछले 5 साल से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और उससे कोई फायदा भी नहीं होना, बट ठीक है। अभी 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 मेरे को एक लोग मिले, उन्होंने बताया कि वो पिछले लगभग 6-7 ईयर्स से अपनी सैलरी का ऑलमोस्ट 90% पार्ट एक पर्टिकुलर SIP में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, राइट। अब उसमें ना उनकी कोई गलती नहीं है कि SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप SIP में आपको रिटर्न मिलना चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरे को रिटर्न बहुत कम मिल रहे हैं। तो मैंने जिस तरीके से उनको समझा तो मुझे पता चला कि जो पहले रेगुलर प्लान अभी भी चलते हैं, जो रेगुलर प्लान चलते थे जिसमें पहले कैप नहीं होता था, कैप का मतलब कि कैपिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एजेंट आपको कोई प्लान देता है या डायरेक्ट प्लान होता है तो पहले कैपिंग नहीं थी कि कितना कमीशन उस एजेंट को जाएगा, राइट। तो ऐसे किसी प्लान में किसी एजेंट ने उनका इन्वेस्टमेंट करवा दिया था, और वो कह रहे हैं कि मैं 7 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे कोई रिटर्न ही नहीं है, ऑलमोस्ट जितना पैसा मैंने दिया है लगभग उतने ही पैसा मुझे मिल रहा है अभी। तो ये किस कारण है? अब हैं तो वो डिजिग्नेशन में इंजीनियर, सारी चीजें हैं, सारा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पूरी मेहनत की कमाई जाके इसके पास रही है पता नहीं, ये पता नहीं, ये नॉलेज देना बहुत जरूरी है। सो सर, यहाँ तक तो आपकी जर्नी काफी हद तक लोगों को समझ आ रही होगी, बट अब बात आती है कि उन लोगों की जो बिल्कुल नए हैं, अब ऑप्शंस के अंदर इंटरेस्ट है, सीख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, पर कई सारी चीजें हैं जो उन्हें आपसे सीखने की जरूरत है, तो अब हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल, इन टॉपिक्स में देखिए सबसे पहले तो एकदम शुरुआत से बात करते हैं, शुरुआत इन द सेंस की सबसे पहली जरूरत हमको क्या है, सबसे पहली जरूरत है हमको हमारी गलतियों को समझने के लिए। बहुत सारे तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शंस राइटिंग कर रहे हैं, बाइंग करने वाले अपने अपने किसी थ्योरीज पे बाइंग कर रहे हैं, राइटिंग करने वाले अपने अपने किसी थ्योरीज पे राइटिंग कर रहे हैं। थ्योरीज छोड़िए, इंडिया में 99% जो ट्रेडर्स हैं वो तो सिर्फ या तो दूसरों के भरोसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई कहता है किसी टेलीग्राम वाले से टिप्स ले लो, कोई कहता है किसी एडवाइजरी वाले से टिप्स ले लो, कोई कहता है तोता बिठा लो तोता बोल दे बाई तो बाई कर लो, सेल तो सेल कर लो, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं लोग, मतलब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैटर कहां है, तोता कहां मिलता है? तोता कहां मिलता है? जो पाया वो तोता हमारे दिमाग के अंदर मिलता है एक्चुअली में। तो देखिए होता क्या है कि जब हम ट्रेड करने जाते हैं, जब हम ट्रेड स्पेसिफिक होते हैं तो हमको कैलकुलेटिव, देखिए रिस्क लेना जरूरी है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आपको लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस होंगे, हमेशा होंगे। इन लॉसेस से डरना नहीं है इन द सेंस कि जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो लॉसेस से आप डरेंगे नहीं। जैसे कि जब हम रैंडम ट्रेड्स ले रहे हैं, रैंडम ट्रेड्स में मैंने कोई एक प्रॉफिट किया या मैंने कोई एक लॉस किया तो मुझे सिर्फ वो नंबर्स दिख रहे हैं। नंबर्स दिखने का मतलब अगर मैं -10,000 रुपीज किया तो वो नंबर है -10,000 रुपीज, और +10,000 किया तो वो नंबर है। मुझे ये नहीं पता कि मैंने ये लॉस किया क्यों, मुझे ये नहीं पता कि मैंने ये प्रॉफिट किया क्यों, सीधी सी बात है। लेकिन जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो वहां पर आपको पता होता है कि ये लॉस आपको हुआ तो किस वजह से हुआ, क्या क्या मिस्टेक्स आपने की, तो अगली बार एटलीस्ट आप उन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। तो इन्हीं बातों से मैं शुरुआत करता हूं, शुरुआत हम लोग सीधा सीधा चलेंगे। सबसे पहला लोगों का सवाल जहन में ये होता है कि ऑप्शंस में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपके व्यूवर्स को यहां तक तो समझ सकता हूं या अपने जो हम लोगों को देख रहे हैं यहां तक तो समझ सकता हूं कि ऑप्शंस में कॉल और पुट्स खरीदते हैं, उनको समझते हैं, उससे बेसिक में हम लोग नहीं जाते हैं। अभी हम लोग
यहां से चलते हैं कि अगर वो एक कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं या एक पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो जो सबसे शुरुआती मिस्टेक्स है वो क्या क्या करते हैं। उन गलतियों में सबसे पहली जो गलती होती है वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की होती है कि स्ट्राइक प्राइस सही सिलेक्ट कैसे करें और वो कैलकुलेशन से कैसे सही सिलेक्ट करें वो देख के हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर ऑप्शन चेन की बात करें, सिंपली अगर आप गूगल पर टाइप करें निफ्टी ऑप्शन चेन, तो जब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमको क्या दिखाई देता है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन चेन का डेटा दिखाई दिया। अब बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है कि पहली बार अपनी लाइफ में इस डेटा को देख रहे हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको रेगुलरली देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि ये दिन के लास्ट में अपडेट होता है, होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि ये एवरी 3 मिनट्स में अपडेट हो जाता है, हर 3 मिनट में अपडेट हो जाता है। तो चाहे जो भी हो, ऑप्शन चेन को देखने का अपना एक तरीका होता है, किसी भी ट्रेड को समझने का अपना एक तरीका होता है। जब मैं ऑप्शन चेन देखता हूं या जब मैं बात करता हूं ऑप्शन चेन की, तो मैं चाहता हूं कि हम इस ऑप्शन चेन को पार्ट्स में देखना और समझना शुरू करें। पार्ट्स में देखने और समझने का मतलब यह है कि सबसे पहली जो हम लोग शुरुआत करेंगे ये इन स्ट्राइक प्राइसेस से करेंगे कि कोई भी ऑप्शन चेन जब आप देख रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल्स का डेटा दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड पर पुट्स का डेटा दिखाई दे रहा है, और बीच में हमको दिखाई दे रही है सारी की सारी स्ट्राइक प्राइसेस। ये स्ट्राइक प्राइसेस को मैं क्या मान के चलता हूं, मेरी थ्योरीज में इन स्ट्राइक को मैं मान के चलता हूं एक स्टेज पड़ाव, आपका एक पॉज है इन स्ट्राइक प्राइसेस पर, मार्केट रुकता है हर एक स्ट्राइक प्राइस पर। ये स्ट्राइक प्राइस हर एक स्टॉक में स्पेसिफिक नंबर्स के बाद आती है, जैसे निफ्टी में 50 पॉइंट्स के बाद आती है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स के बाद आती है। अब यहां से जब हम शुरू करते हैं नंबर्स को देखना, तो बहुत सारे इंडियन ऑप्शन चेन क्या है, इंडियन ऑप्शन चेन बायर स्पेसिफिक, मतलब बायर्स को ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि सस्ते प्रीमियम्स मिलते हैं, वो खरीदते हैं, भले ही वो प्रीमियम्स बाद में नुकसान हो जाता है, क्या हो जाता है वो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो बायर्स स्पेसिफिक लगता है। राइटर्स पैसा कमा रहे हैं बट बायर्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसे बाजार से। तो जब हम कॉल साइड में देखते हैं तो नॉर्मली एक जो कॉमन मैन बायर है ना, कॉमन मैन सोचता है कि अगर कॉल साइड में देख रहा हूं तो इसका मतलब कि बाजार को बुलिश होना है, तो मुझे कॉल साइड देखना चाहिए कि मुझे अगर मैं बाइंग करने का सोच रहा हूं तो, और जो बेरिश वाला है जो नीचे बेचने का सोच रहा है वो पुट साइड मुझे देखना चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि बाजार बेरिश होगा। बट ऑप्शन चेन कैसा होता है ना, ये ठीक इसका उल्टा होता है। अगर आप बेचने का मार्केट में सोच रहे हो तो आपको इस तरफ ध्यान देना है, और अगर आप खरीदने का मार्केट में सोच रहे हो तो आपको उस तरफ ध्यान देना है पुट साइड में, क्योंकि वो जो पुट के राइटर्स हैं वो राइटिंग करेंगे तो वो बेसिकली बुलिश मार्केट की तरफ जाएगा मार्केट, और ये जो कॉल के राइटर्स हैं जब ये राइटिंग करेंगे तो बेसिकली मार्केट नीचे डाउनवर्ड्स जाएगा। तो अगर हम बाइंग करने का सोच रहे हैं कि आज मुझे रात में सपोज करिए सपना आया कि आज सुबह उठ के तुमको बाइंग करनी है निफ्टी में, तो कम से कम इस तरफ देखना शुरू करें, और अगर हम बिकवाली करने का सोच रहे हैं तो इस तरफ देखना शुरू करें। अब यहीं से बातों की शुरुआत होती है। एक स्टोरी है, एक कहानी है कि मैं इस ऑप्शन चेन को कैसे देखता हूं। मैं इस ऑप्शन चेन को स्पेसिफिक इमेजिन करता हूं, एक इमेजिनेशन यहां पर करता हूं। इमेजिनेशन कैसे करता हूं, अगर मैं यहां पर बिल्कुल आप यूज कीजिए, तो अगर हम इस ऑप्शन चेन को देखें तो यहां पर मैं एक इमेजिनेशन करता हूं। क्या इमेजिनेशन करता हूं, एक इमेजिनरी लाइन की इमेजिनेशन करता हूं। वही मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट भी है, मेरी थ्योरी भी है कि इस बाजार में लाइन मतलब आप चार्ट पे लाइन प्लॉट कर, नहीं मैं इस ऑप्शन चेन पे लाइन प्लॉट, इसी पे लाइन, हाँ इस पे एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। वो लाइन मैं कैसे प्लॉट करूंगा, वो मैं इमेजिन करूंगा, उसको मैं इमेजिनरी लाइन बोलता हूँ, इमेजिनेशन करूंगा किसकी, यहाँ पर एक लाइन होगी, अभी आपको भी ये इमेजिनेशन करनी है। वो लाइन कहां से इमेजिनेशन करनी है, ज्यादातर लोग जब ऑप्शंस को देखते हैं या समझते हैं तो ज्यादातर लोग ऑप्शंस को रिलेट करते हैं फ्यूचर से, राइट, कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है। बट मैं क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि ऑप्शन और फ्यूचर दो बच्चे हैं स्पॉट के, स्पॉट से जनरेट होता है फ्यूचर और स्पॉट से ही जनरेट होता है ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऑप्शन को रिलेट करता हूं स्पॉट से। तो जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन पर देखेंगे ना, तो बेसिकली ये फ्यूचर से रिलेट करती है, और फ्यूचर के स्पेसिफिक आपको आउट ऑफ द मनी और इन द मनी, वो कॉन्सेप्ट अभी मैं सिखा दूंगा कैसा होता है, वो फ्यूचर से स्पेसिफिक होती है, रिलेट करती है फ्यूचर के प्राइसेस से, लेकिन मैं इसको स्पॉट के प्राइसेस से रिलेट करता हूं। अब अगर हम लोग बात करें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी का आज का मार्केट प्राइस क्या है, ये देखिए यहां पर निफ्टी का मार्केट प्राइस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, निफ्टी का मार्केट प्राइस है 18,512, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये सोचना है कि ये 512 जो है ये कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है। हर स्ट्राइक प्राइस की अपनी जोड़ी है, 100 की जोड़ी बनेगी 150 के साथ, ठीक है, 150 की जोड़ी फिर से बन जाएगी किसके साथ, 200 के साथ, ठीक बात। ऐसे करते करते जब हम आएंगे तो हमको पता चलेगा कि 500 की जोड़ी बनी है 550 के साथ, और ये जो लाइन मैं इमेजिन कर रहा हूं ये इन्हीं दोनों के बीच में इमेजिन कर रहा हूं, ओके, ठीक है, दिस इज माय इमेजिनरी लाइन, ओके, यहां पे मैं इमेजिन कर रहा हूं कि एक लाइन है। अब मेरा ये ऑप्शन चेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको ए लिख दूं, ए बी सी लिख देता हूं और डी लिख देता हूं, ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए आपके, हाँ, ठीक है।
चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन पर क्या दिखाई दे रहा है, ए पार्ट आपको डार्क दिखाई दे रहा है, डी पार्ट आपको डार्क दिखाई दे रहा है, बी पार्ट आपको व्हाइट और सी व्हाइट दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि इसी ऑप्शन चेन पर जब फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंस आ जाएगा, मान लीजिए फ्यूचर की प्राइस, ये तो स्पॉट की प्राइस है, मान लीजिए फ्यूचर की प्राइस हो जाए 551, ऐसे केस में ये आपको यहां से डार्क दिखाई देना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी मैं उसको स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग ही इमेजिन करता रहूंगा कि दिस इज माय प्राइस, ये मेरी प्राइस है। अब ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। अब यहीं से डिराइव होता है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का कॉन्सेप्ट। इन द मनी का मतलब क्या, अगर मैं टेक्निकली समझाने जाऊं ना तो टेक्निकली बहुत सारी जगह गूगल पे लिखा हुआ है और लोग देखते भी हैं, समझते हैं, बट उसको हम लोग रैंडम भाषा में समझते हैं, रैंडम समझते हैं कि बेसिकली इन द मनी होता क्या है। इन द मनी का मतलब ये होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यूज, इंट्रिंसिक वैल्यूज का मतलब भाई सीधी सी बात है, अगर हम ये लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो लैपटॉप वाला जिस व्यक्ति ने मुझे ये लैपटॉप बेचा, अगर मैंने ये लैपटॉप सपोज करिए कि 50 रुपीज में खरीदा, राइट, तो उसको 50 रुपीज का ये नहीं मिला होगा, राइट, उसको कितने का मिला होगा, 45 का मिला होगा, 46 का मिला होगा, 49 का मिला होगा, उसको उससे कम भाव में मिला होगा। तो ऐसे ही जब राइटर हमको ये माल बेचता है ना, तो राइटर को इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, हमको ये देखना है। तो राइटर को इसकी कॉस्टिंग पड़ती है इंट्रिंसिक वैल्यू की कॉस्टिंग। वो कैसी होती है कि कॉल साइड में बाजार जिस भी स्ट्राइक प्राइस को, ये 512 है ना, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को पार कर चुका है, इसलिए तो मैंने इमेजिनरी लाइन देखी, 500 को पार कर चुका है, तो कॉल साइड में 500 के ऊपर वाले सारे इन द मनी हो गए, राइट, उससे पहले के जितने, उसके पहले के जितने हैं 450, 400, 350, 300, ये सारे इन द मनी हो गए, तो ये डार्क में आपको दिखाई देंगे यहां पर। और पुट साइड में बाजार अभी जिसको टच नहीं किया है, या कह लें इस तरफ से अगर चलें तो जिसको पार कर चुका है, पुट साइड में तो नीचे की तरफ बाजार गिर रहा है ना, अब 19,000 का मार्केट होता तो धीरे धीरे गिरते गिरते 18,550 क्रॉस कर चुका है, अभी 500 नहीं गया है, तो पुट साइड में जिसको पार कर चुका है बाजार, बेसिकली ये हो गया हमारा इन द मनी का पार्ट, तो यही हमको यहाँ पर डार्क दिखाई देता है। क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम जो भी है उसके अंदर आप लोगों को बताना दो चीजें हैं, या तो आप दो चीजें हैं, एक है टाइम वैल्यू और दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सर आपको कंसेप्ट ये समझाना चाहते हैं, अगर आप एग्जांपल के लिए 18,300 की हम बात कर रहे हैं, 253 है और बाजार आपका चल रहा है 18,512 पे, तो अगर आप 18,512 को मैं आपके सामने करके भी दिखा देता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं एक सेकंड का टाइम ले रहा हूँ सो दैट मैं लोगों को बता दूं ना, 18,512 पे बाजार है, माइनस मैं कर दूं 18,300 तो मेरे पास वैल्यू आई 212, ये 212 बट यहाँ पर प्राइस जो है वो है 253, अगर मैं 253 माइनस करूंगा तो 41 ये एक्स्ट्रा क्या है, ये है टाइम वैल्यू, और जो इसके अलावा है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 41 रुपीज ये प्रीमियम अभी के लिए महंगा है, महंगा कह लो या फिर बायर जो खरीद रहा है वो 41 एक्स्ट्रा दे रहा है। सीधी भाषा में समझाते हैं, एकदम सीधी भाषा में, भाई साहब ये इतना कमीशन है राइटर का, कमीशन है, आप ही समझ लो। अब ऐसा समझो कि आप यहाँ पर राइटर का अगर कमीशन 41 रुपीज है, तो फिर अगर 350 पे देखें तो 350 पे भी आपको सेम वही इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू कह लें, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कह लें, एक्चुअली दोषी तो थीटा को माना जाता है, लेकिन है उसके पीछे बहुत सारी चीजें, बदनाम थीटा है अकेला। तो अब यहां पे ऐसे ही बात करें 500 से, सीधा सीधा आराम से समझने के लिए ऑडियंस को सीधी कैलकुलेशन, 500 से 512 कितने रुपए ऊपर, 12 रुपए ऊपर, 12 रुपीज, तो 12 रुपीज तो हुआ आपका, और बचा जो 90 रुपीज वो किसका, राइटर का। मतलब राइटर आपसे यहां खुले खुले बोल रहा है, भाई साहब मैं 90 रुपए लेने के लिए यहां पर एलिजिबल हूं, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, राइट। हमको उसको समझना जरूरी है। अब यहां पर एक बड़ी मजेदार स्टोरी मैं आपको बताता हूं, मजेदार स्टोरी ये कि हम लोग इसको क्लेम कर लेते हैं, और मजेदार स्टोरी ये कि ये हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन, सॉरी, ठीक है, ये हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, आपने भी सुनी होगी शायद वो स्टोरी, फिर भी मैं आपको सुनाता हूं, सुनी होगी तो बताइएगा। एक दो बिल्लियों की कहानी, टू कैट्स आर देयर, दो बिल्लियां हैं, दोनों को मिल जाती है एक रोटी, ठीक है, और उस रोटी के लिए दोनों को आपस में हो जाती है लड़ाई। क्यों लड़ाई हो जाती है, कि दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है, दोनों का एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अब इस लड़ाई में दोनों पहुंचती है एक चालाक बंदर के पास, बंदर कहता है मेरे पास तराजू है, मैं इस तराजू पर रोटी को तौल दूंगा और ठीक ठीक बराबर बराबर तुमको दे दूंगा। बिल्लियां बड़ी खुश कि चलो ठीक है, बंदर कहता है लेकिन, कहती है क्या लेकिन, मेरा मेहनत आना क्या, तो बिल्लियां कहती हैं कि आप क्या लोगे बता दो, बंदर कहता है मैं कुछ नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं, बस जब मैं रोटी को तौलने जाऊंगा ना तो जिस तरफ का भी टुकड़ा, मान लीजिए थोड़ा सा भी भारी हुआ, एक ग्राम भी भारी, बस मैं वो एक ग्राम रोटी का टुकड़ा खा लूंगा, आपको बराबर करके आपका रोटी आपकी। बिल्लियां कहती है बहुत बढ़िया, तो बंदर कहता है ठीक है। अब जब वो तौलता है, जब वो बैलेंस करता है,
तो जानबूझ के एक तरफ की रोटी का टुकड़ा एक्स्ट्रा भारी कर देता है, और एक्स्ट्रा भारी करते ही ऐसे एक्स्ट्रा भारी कर दिया। अब जब दूसरी तरफ का हल्का हो गया तो फिर दूसरी जो भारी वाला है उस टुकड़े को खाया, और ऐसा करते 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 थर्स डे आ जाता है, रोटी 3:30 PM हो जाता है और सारा का सारा प्रीमियम जीरो हो जाता है, राइट, रोटी खत्म हो जाती है। तो अब यहां पर कौन दो बिल्लियां हैं, एक कॉल का बायर एक पुट का बायर, और बंदर है सेलर, बंदर है राइटर। कॉल के बायर ने कहा कि भाई मैं तो क्या बोलता हूं कि राइटर ने कहा कॉल के बायर को कि भाई बाजार ऊपर जाएगा तो तुम प्रॉफिट बुक कर लेना, और जब बाजार नीचे गिरेगा तो तुम प्रॉफिट बुक कर लेना। अब बेसिकली हुआ क्या कि दोनों ना बाजार वो स्पेसिफिक ऊपर लेके गया ना नीचे लेके गया, और एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द वीक पूरा प्रीमियम जीरो हो गया, है ना। तो कुल मिलाजुला की ये कहानी राइटर्स की है। अब जब हम लोग इसको यहां पर देखें उसी कहानी को सेम स्टोरी को हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर हमको ये वाले पार्ट में नहीं देखना है और पुट साइड में ये वाले पार्ट में नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, जैसा आपने अभी बताया, एक हो गई इसमें इंट्रिंसिक और दूसरी टाइम वैल्यू, लेकिन इस पार्ट में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सारा टाइम वैल्यू है। मतलब ये पूरा पैसा राइटर के पास मौका है, 75 रुपीज आप खरीद रहे हो तो पूरा 75 रुपीज राइटर के पास मौका है इसको कमा के ले जाने का, इधर ये पूरा 71 रुपीज राइटर के पास है कमा के ले जाने का। अब यहीं से मेरी एक और थ्योरी की शुरुआत होती है कि बाजार स्पेसिफिक पीरियड में कैसा चलता है। मतलब अगर हमको मार्केट को देखना है, अगर हमको यहां से जाना है, मेरे यहां मेरा घर है और मुझे अपने ऑफिस जाना है, तो अपने ऑफिस जाने के लिए मैं सीधा ऑफिस के बाहर वाली चौराहे को तो देखूं नहीं, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां से पहले देखूंगा मेरा गेट कहां है, वहां से आगे निकलूंगा तो फिर आगे के रास्ते देखूंगा। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं, हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले, अब आप देख के मुझे बताइएगा जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करेंगे, ये हमने इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब ये हम इधर के आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स को आप ध्यान से देखिए, और इधर के आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स को ध्यान से देखिए, आपको किधर का प्रीमियम ज्यादा दिखाई दे रहा है, नियर अबाउट तो ये 75 आ रहा है, कॉल साइड वाला थोड़ा मोड़ा ज्यादा है, अभी लगभग बैलेंस है, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, बस वो 75 और 71 बाकी सब बराबर है। यही से खेल शुरू होता है, जिस तरफ का प्रीमियम आपको इमीडिएट टाइम पर भारी दिखाई देगा उस तरफ की रोटी भारी है। अब बंदर क्या करेगा, इस तरफ की रोटी को हल्की करेगा, मतलब राइटर इधर के प्रीमियम्स को खाएगा, एक स्पेसिफिक टाइम तक खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, ये प्रीमियम हल्के होते चले जाएंगे और वो वाले प्रीमियम क्या होते चले जाएंगे, भारी होते चले जाएंगे। एक कोई पर्टिकुलर टाइम आएगा, एक जगह आएगी जिस जगह पे क्या होगा, ये वाले प्रीमियम अब हल्के हो चुके हैं और ये वाले भारी हो चुके हैं, जहां पर राइटर ये मान ले कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टाइम कि अब ये प्रीमियम को मैं हल्का मान रहा हूं और अब इसको भारी मान रहा हूं मैं, वो मार्केट वहां से क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। तो जो पॉइंट आया ना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मार्केट आया, जहां से वो रिवर्स हुआ मार्केट, वही पर्टिकुलर पॉइंट का जो मैथमेटिक्स है ना, उसी को मैंने डिराइव किया हुआ है कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा इन्हीं प्रीमियम्स और इनके ग्रीक्स की बदौलत। तो लोग अगर इसे समझ लें तो उनका काफी फायदा हो सकता है, बहुत फायदा होगा, क्योंकि फिर हमको स्पेसिफिक मार्केट टू द पॉइंट, जिसको बोलते हैं डॉट टू डॉट, की ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये यहां से मार्केट रिवर्स होगा, राइट। अलग अलग थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि हम ये एक सीरीज बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आगे आने वाले एपिसोड्स में हमारे व्यूअर्स को देखने के लिए मिलेंगी, तो इन्हीं सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले, कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको। So, यहाँ पे आपने एक सस्पेंस छोड़ दिया लोगों के लिए, आई होप कि अब यहाँ पर जो सर ने बोला कि एक स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है और वो आपको कैलकुलेट करा जा सकता है, कैसे आपको करना है वो आपको सीखने को मिलेगा अगली वीडियो में। तो थोड़ा सा कष्ट देंगे आप लोगों को, सी दिस इज अ सीरीज, सो सिर्फ नेक्स्ट वीडियो नहीं है, इसके अलावा सर की जो और थ्योरीज हैं उनके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलने वाला है, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कॉमेंट्स में पूछ लीजिए, उन सवालों के ऊपर हम डेफिनेटली चर्चा करने वाले हैं। आपके जितने भी सवाल मन में हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, बाइंग से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, इनफैक्ट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्लीज आस्क, डू आस्क इन द कॉमेंट्स, सो दैट उनके ऊपर हम चर्चा करें, एंड आई होप आपको सीखने में बहुत मजा आ रहा है। सो इसी तरीके से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जो सो दैट जब तक नेक्स्ट वीडियो आए कई सारे लोगों को पता लग जाए कि वो ऑप्शन चेन के सीक्रेट सीख सकते हैं, एंड वो भी यूट्यूब के माध्यम से। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।